कहते हैं दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जिसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत का जनगणमन और दूसरा बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। साथियों, अब तक आप समझ गए होंगे आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। मैं अक्सर सोचता हूं ये शख्सियत इतनी बड़ी है लेकिन इनके ऊपर केस स्टडीज क्यों नहीं है। उस जमाने की एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत का नाम पूरे विश्व स्तर पर फैलाया, जिनको हम सब जानते हैं गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, उनके जीवन की और उनके जीवन से जुड़े विवादों की। जोदि तोर डाक सुने क्यों ना आशे तबे अकला चलो रे। अपने पिता की 13 संतानों में सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल जाने के नाम से चिढ़ते थे। उन्होंने कोलकाता में कॉलेज में दाखिला लिया और मजे की बात यह कि वो सिर्फ एक दिन कॉलेज गए, उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में लॉ सीखने को भेजा गया। यहां भी वही हाल, उसके बाद उन्होंने लॉ करना भी छोड़ दिया। साथियों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है उन्हीं लोगों के ऊपर केस स्टडीज बनती है और वही लोग महान बनते हैं जो स्कूल और कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं और अपने सपनों को फॉलो करने के पीछे बढ़ते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, इसलिए गलती से अपना मत छोड़ देना। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर मानो मस्त हो गए। उन्होंने शेक्सपियर पे स्टडी शुरू की। पूरे ग्लोबल लेवल पर लिटरेचर कैसा है, उसका प्रभाव कैसे पड़ा, वो कैसे फैला, उन्होंने इसकी डीप रिसर्च स्टार्ट कर दी। ब्रिटिशर्स जो भारतीयों को, इंडियंस को बहुत हीन समझते थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर की बुद्धिमत्ता के, उनकी क्रिएटिविटी के इतने कायल थे कि उनकी कविताओं को, उनके क्रिएशंस को पूरे इंग्लैंड में पढ़ा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश शासन ने निर्णय लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर को वहां के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक द डार्क नाइटहुड से नवाजा जाएगा, जो कि किसी के लिए भी बहुत गौरव की बात थी। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं उसी वक्त जलियांवाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ, वो हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिला दिया और आज तक उसकी कल्पना करने मात्र से रोम सिहर उठता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश हित में निर्णय लिया और उन्होंने ब्रिटिश शासन का डार्क नाइटहुड स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर क्लासरूम एजुकेशन के एकदम अगेंस्ट थे। उनका मानना था ये चारों तरफ से बिल्कुल कसी हुई दीवारें हैं, वहां बैठ के बच्चों को ठूस ठूस के दिन भर उनके दिमाग में ज्ञान भरना, इससे वो ग्रो नहीं करते, इससे उनकी क्रिएटिविटी खत्म होती है। उन्होंने क्लासरूम टीचिंग के खिलाफ शंखनाद छेड़ दिया और अपनी खुद की नई सिखाने की परंपरा को स्थापित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीचिंग के साथ नेचर का होना बहुत जरूरी है, टीचिंग के साथ क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है और बच्चों को सिर्फ नंबरों पर नहीं आंका जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और आज पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन पूरे विश्व में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार मिला। और ये किस लिए मिला? क्योंकि उन्होंने अपनी इंग्लिश में इतनी खूबसूरत, इतनी ओरिजिनल पोयम्स, इतने ओरिजिनल वर्स लिखे और उनको इतना वेस्टर्नाइज कर दिया कि वेस्टर्न को लगता था कि वो हमारा है और इंडियंस को लगता था कि वो हमारा है। और इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर बेहद प्रतिष्ठित हुए। लेकिन उन्होंने उस नोबल पुरस्कार के पैसों का क्या किया? मजे की बात यह कि उन्होंने नोबल पुरस्कार के पैसों से इस पूरे शांति निकेतन और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की, वो एजुकेशन जो नेचर से ब्लेंडेड था, हार्मोनियस था, क्रिएटिविटी से ब्लेंडेड था। दुनिया के शीर्षस्थ लोग कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य में वो दम था कि उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
सबसे बड़ी चीज जो उनके साहित्य में थी वो समग्र विश्व को देखते थे, यूनाइटेड वर्ल्ड, और हर चीज उनकी पूरी पृथ्वी की तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम वर्ण, इन सब को मिलाकर एक कैसा किया जाए और एक कैसे हो, और हम सब पृथ्वी के निवासी हैं, हम सब इस तरीके से कैसे सोचें, इस सोच की वजह से एक भारतवंशी को पूरी दुनिया में सम्मान मिला। कहते हैं जब स्वतंत्रता मिली तो भारत के बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का सम्मान करते थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे भारत एक ऐसा देश बने जहाँ पर डाइवर्सिटी को सम्मान मिले। और आज यदि भारत की डेमोक्रेसी खड़ी है जिसमें हर धर्म, हर वर्ग और हर समाज का व्यक्ति रह सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। साथियों, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। पूरे देश में भयंकर विवाद उठा। भारतीय कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियां भी आंदोलन में कूद पड़ी, और साथ में कूद पड़े रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने विशेष रूप से राखी उत्सव की शुरुआत करवाई। उस उत्सव का मेन पर्पस था हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे, ताकि यदि ब्रिटिशर्स जमीन को भी बांट दें तो दिल ना बटे, और आखिर में जनता के भयंकर दबाव से, पब्लिक की जबरदस्त आपसी हारमोनी की वजह से ब्रिटिश सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से बहुत सारे विवाद जुड़े रहे, या कभी कभी तो यह भी लगता है कि जुड़े गए। सबसे पहला विवाद, नोबेल पुरस्कार। बहुत से लोगों का यह मानना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि ईट्स से उनकी निकटता की वजह से मिला। उनकी निकटता की वजह से ईट्स ने उनका नाम रिकमेंड किया और जूरी को इन्फ्लुएंस किया जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार मिल सके। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से दूसरा विवाद ये जुड़ा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ठीक तरीके से मोर्चा नहीं खोला, वो उतने दमदार ढंग से नहीं लड़े, नहीं तो उनकी बात सुनी जाती थी, और यदि वो ठीक से लड़ते तो शायद देश का इतिहास थोड़ा पहले बदल सकता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से ये तक विवाद जुड़ा कि ये जो जन गण मन अधिनायक, ये जो भारत का राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान उन्होंने किंग जॉर्ज V जब भारत की यात्रा पर आए उस वक्त उनके सम्मान में लिखा था। साथियों, विवाद करने वालों का काम है विवाद करते जाना। बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड है, दुनिया के अनेक शीर्षस्थ विचारकों ने लिखा है, देश के समकालीन जितनी भी हस्तियां थी उन्होंने लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ये जो विवाद है इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। विवाद विवाद की जगह पड़े रहने दें, हमारा आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग ये विवाद भी जोड़ते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का साथ नहीं दिया, स्वदेशी आंदोलन का साथ नहीं दिया, लेकिन इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का कुछ अलग ही व्यू पॉइंट आता है। वो एक देश की तरह नहीं सोच रहे थे, वो पूरे यूनिवर्स की तरह सोच रहे थे, और उनका ये मानना था कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनको बना रहा है, बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स या तो इनको बना रहे हैं या हिंदुस्तान में ला के बेच रहे हैं, आज यदि हम इनको आग लगा देंगे, जला के खाक कर देंगे, तो वो हजारों लाखों लोग जो इनको बनाने में जुटे हैं, जिनकी जिंदगियां इनसे जुटी है, उनका क्या होगा। तो एक और हमारे नेता देश के लिए सोच रहे थे और दूसरी ओर वो समग्र विश्व के लिए सोच रहे थे। शायद ये अप्रोच का फर्क था कि कौन दुनिया को किस नजर से देखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर 80 साल जिए और दो सेंचुरीज को उन्होंने प्रभावित किया। 2000 से ज्यादा गाने, 3000 से ज्यादा पोयम, 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स, 90 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल्स। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना बड़ा रच सकता है, और यदि वो उदाहरण देखना हो तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी से आकर्षक और कुछ भी नहीं हो सकता। आज भी आप उनके कार्य जाके बंगाल में शांति निकेतन में देख सकते हैं। आज उनके नाम पर 5 म्यूजियम है जिसमें से 3 भारत में और 2 बांग्लादेश में। साथियों, आज यह केस स्टडी गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि पर रिलीज करते हुए मुझे अंदर से खुशी है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने देश को पहला नोबेल पुरस्कार दिया, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाया, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने एक नहीं दो दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने भारत की गुलामी के दिनों में सारे ब्रिटिशर्स को खुद को पढ़ने पर मजबूर किया। तो एक बार फिर आप सबसे अनुरोध कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में झाके और कभी मौका मिले तो शांति निकेतन जरूर विजिट करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।